हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं नॉन वुमेन कैरी बैग का बिज़नेस। तो इसमें आपका जो है छोटी मशीन की बात कर रहे हैं हम आज, जो है सेमी ऑटोमेटिक जिसको नॉन वुमेन बोलते हैं। तो इसमें तीन मशीन की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपका जो होता है मैनुअल फैब्रिक कटिंग मशीन की ज़रूरत होती है, जिससे आप जो है बैग का रोल काटेंगे और उसको आप जो है आप एक ही साथ जो होंगे वो बैग्स के साइज़ काट सकते हैं इस मशीन से। तो देखिए, ये आपका बहुत ही आसान प्रोसेस है। आपको सबसे पहले आपको रोल को रख लेना है, देन उसके बाद उसकी जो है आप साइज़ के हिसाब से कटिंग कर देंगे। और इसके बाद आपका प्रोसेस आता है जो आपका सेकंड मशीन होता है सिलिंग मशीन, तो उसका प्रोसेस रहता है। इसमें आप जो है अलग अलग तरह की डिज़ाइन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मैनुअल मशीन होता है। तो इसमें आप जो है जैसा डिज़ाइन चाहे वैसा आप डिज़ाइन बना सकते हैं, खुद से आपके अकॉर्डिंग आपको खुद बना सकते हैं। और इसमें आप ना केवल बैग्स बना सकते हैं, इसमें आप डी कट, यू कट, डब्ल्यू कट, शूज़ बैग, प्रमोशनल कैप्स, मास्क भी रेडी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका मैनुअली मशीन है। इसके बाद आपका जो होता है ये सिलिंग मशीन है, सेकेंड मशीन, जिससे आप जो होती बैग की सिलाई करते हैं। इसमें भी आप अलग अलग डाई लगा के, आप अलग अलग डिज़ाइन की डाई लगा के जिस हिसाब से बैग्स को सिल कर सकते हैं। और उनकी जैसे किसी कस्टमर को जो होता है वो अपने लोगों का डाई भी चाहिए हो तो वो भी आप लग बनवा सकते हैं कंपनी की तरफ से। तो देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग आ रहा है, इसमें आपको डिज़ाइन किया जा रहा है, इसमें आपकी बैग की सिलाई की जा रही है। तो बैग की सिलाई के बाद आपका थर्ड प्रोसेस जो होता है वो आपका होता है आपका पंचिंग मशीन का। तो ये आपका सिलाई मशीन है, इसमें सिलाई मशीन में देखिए कितना अच्छा आपका जो है बैग का सिलाई हो रहा है। ये आपका डीकट बैग बन रहा है, तो डीकट बैग बनने के लिए आपको जो है पंचिंग की ज़रूरत है। तो ये आपका पंचिंग मशीन है, इसमें देखिए आपने बैग को जो है डाई लगा देना है, उसमें आपको पंचिंग करेंगे, आप फुट से पंचिंग करेंगे, देन आपका जो होगा फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने है।